अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम सईद है और मैं यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल में एज एन आई स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ग्लॉकोमा, जिसे उर्दू में काला पानी कहते हैं। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम आपको ग्लॉकोमा से रिलेटेड तमाम मालूमात फराहम करें। ग्लॉकोमा यूजुअली लोग समझते हैं कि बड़ी उम्र के अफराद या बुज़ुर्गों में पाया जाता है। ये किसी भी उम्र के अफराद में हो सकता है, ये इवन बच्चों में भी पाया जा सकता है। ग्लॉकोमा लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का, नाबीनापन का सबसे बुनियादी रीज़न जो है वो ग्लॉकोमा है, काला पानी है। आज हम वीडियो में आपको इसके बारे में बताते चलेंगे और बहुत सारी मिथ्स भी डिस्कस करेंगे और इसके रिस्क फैक्टर्स और इसके सिम्टम्स, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम करेंगे। ग्लॉकोमा का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम ये है कि बाज़ दफ़ा इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स होते ही नहीं है। मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि उसको काला पानी है और डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती रहती है, यहाँ तक कि उसकी नाबीनापन की स्टेज तक आ जाता है। कभी उसको दर्द ही नहीं होता आँख में या कोई और तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसीलिए बेहतर है कि आप साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करवाएँ और देखें कि कहीं आपको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है कि काला पानी हो सकता है। आम तौर पर जो मरीज़ हमारे पास ग्लॉकोमा के लिए आता है, उसकी या तो आंख लाल होती है, या तो उसको धुंधला नज़र आ रहा होता है, या तो उसको रोशनी के इर्द गिर्द हैलोज बने हुए नज़र आ रहे होते हैं, या समझे आम अल्फाज में दायरे बने हुए नज़र आ रहे होते हैं। या उसके साथ ये होता है कि उसका सेंटर विजन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी साइड से जो विजन हो रही होती है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। कभी कभार मरीज को सर में दर्द भी होता है, या वो वॉमिटिंग या नोजिया के साथ भी आ रहा होता है। ये सब तब होता है जब प्रेशर बढ़ रहा होता है ग्लॉकोमा की वजह से। कंप्यूटर यूजेज और ग्लॉकोमा का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि बाज़ लोग समझते हैं कि ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने से या ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से काला पानी हो सकता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। काला पानी और स्क्रीन का एज सच कोई लिंक नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जैसे हम लोगों को ज़्यादातर ये कहते हैं कि आप अपना कैफ़ीन का इंटेक कम करें, क्योंकि ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि उनकी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ग्लॉकोमा होने के ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक और सबसे बड़ी मिथ जो लोगों में ये पाई जाती है वो ये कि कैटरेक और काला पानी जो है वो साथ साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कैटरेक और काला पानी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें रिस्क शेयर करते हैं। उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या बढ़ती उम्र का होना। काला पानी जो है, अगर किसी का कैटरेक मैच्योर हो गया है, इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया कि उसको नज़र ही नहीं आ रहा या सिर्फ उसको रोशनी दिखाई दे रही है, तो ऐसे केस में उमूमन तौर पे क्योंकि लेंस स्वेल करने लगता है तो हमारी आंख में एक तरीके का पानी होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उसको ड्रेन होने की कोई जगह नहीं मिल रही होती, उसके ब्लॉकेज की वजह से जो है वो काला पानी हो सकता है। कैटरेक वाला मरीज जो कि एडवांस स्टेज में आता है, उसमें बिल्कुल ग्लॉकोमा के आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन चीज़ जो लोग पूछ रहे होते हैं कि ग्लॉकोमा के कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ग्लॉकोमा के एज सच कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से ऑप्टिक नर्व की बीमारी है, वो भी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आप इसको जड़ से तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आप एहतियाती तदाबीर भी एज सच कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि आप दवा डालेंगे, जो डैमेज नस का एक साल में होना या चंद महीनों में होना है हम उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। काला पानी में उमूमी तौर पे हम मरीज़ को कहते हैं कि आप अच्छी ग़िज़ा लें, हर तरीके का फल फ्रूट सब्ज़ी खाएं, विटामिन ए, सी और ई, ज़्यादातर इसके बारे में कहा गया है कि ये बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, बेनिफिशियल होते हैं मरीज़ों के लिए। काले पानी की एक दो अकसाम ऐसी भी हैं कि जिनमें प्रेशर नहीं बढ़ता। हम हर विजिट पे मरीज़ को मुआयना करते हैं, उसका कब डिस्क्लोशर देख रहे होते हैं। काले पानी के अब तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी आ गए हैं, जैसे कि OCT है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, आप पेशेंट को अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट करके दवा और ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स और दवा भी दे सकते हैं, उसका प्रेशर भी लोअर डाउन कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है काले पानी की, तो बेहतर है कि आप उसको स्क्रीन आउट करें, उसका OCT करवाएं या विजुअल फील चेक करवाइए। काले पानी के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप सालाना चेकअप करवाएँ, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो साल में एटलीस्ट दो दफ़ा ज़रूर चेक करवाएँ। यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, हम बिल्कुल ग्लॉकोमा की स्क्रीनिंग करते हैं, नॉर्मल डेज में भी करते हैं। अगर आप चाहें तो कभी भी, अगर आपको जैसे आंख लाल हो रही है या सर में दर्द हो रहा है या टनल विजन हो रहा है या आपको ब्लर विजन हो रहा है या आपको सर में दर्द के साथ नौजिया या वॉमिटिंग की शिकायत है, तो एक दफ़ा ज़रूर अपने आप को ग्लॉकोमा के लिए स्क्रीन आउट करवाइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी ग्लॉकोमा रिलेटेड, और जो कि आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। शुक्रिया।